प्यारे बच्चों, मैं आपको इस पाठ में बता रहा था, मैंने जो कुछ बताया उसके विषय में मैं संक्षेप में बता रहा हूं। कवि दिनकर जी कह रहे हैं अपनी कलम से, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, कलम आज उनकी जय बोल। कवि इस कविता के माध्यम से देश के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने अपनी अस्थियां जलाई इस क्रांति में और जिन्होंने क्रांति की चिंगारी जगाई और जो पुण्य वेदी पर चढ़ गए, बलिदान हो गए देश के लिए, लेकिन इसके बदले में कुछ नहीं चाहा। कवि कहता है इनकी जय जयकार करने। ये कितने लोग थे तो इसके विषय में कवि कहता है अनगिनत थे, जिनके विषय में हम जानते नहीं। अनगिनत ये अनजान लोग जो इतिहास के गर्त में चले गए, लेकिन उन्होंने जो तूफान जगाया, जो आजादी की मशाल जगाया, क्रांति सुलगाया, जिन्होंने जल जल कर इसको बुझने नहीं दिया, लेकिन इसके बदले में कुछ चाहा नहीं, मांगा नहीं, ऐसे गुमनाम, ऐसे अनगिनत बलिदानियों की, वीर की जयकार करने के लिए कवि कहता है। यहां तक बताए, फिर आगे है, पीकर जिनकी लाल सिखाएं उगल रही लुलपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। कवि आगे लिखते हैं, बताते हैं, पीकर जिनकी लाल सिखाएं उगल रही लुलपट दिशाएं, उस समय जिस समय हमारे देश में हमारा देश गुलाम था और इस देश की आजादी के लिए क्रांति सुलग रही थी, आजादी के लिए लोग मचल रहे थे और इस क्रांति को सुलगा कर रखा, इस क्रांति को जलाए रखा इन बलिदानियों ने, कैसे, अपने रक्त देकर, अपने खून देकर, अपने लाल रक्त देकर इस क्रांति को सींचा, इस क्रांति को, क्रांति के मसाल को जलाए रखा और एक समय सारे देश में यह आजादी की उमंग, यह क्रांति चारों दिशाओं में फैल गई। यह क्रांति की आग, यह देश को आजाद कराने की तमन्ना लिए हजारों लोग निकल गए, अनगिनत लोग निकल गए और चारों तरफ हर दिशाओं में लोग फैल गए। लू लपट दिशाएं, इस क्रांति की आग चारों तरफ लग गई और इस क्रांति के बीच, इस संघर्ष के बीच इन्होंने ऐसा ऐसा साहसिक काम किया देश के लिए जिसकी गवाह आज तक ये हमारी धरती है। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, सिंहनाद, सिंहनाद का अर्थ हुआ शेर जो दहाड़ता है, जिसमें शेर को कहते हैं, शेर जंगल का राजा होता है, बड़ा साहसी वीर होता है, बड़ा फुर्तीला होता है, समझो इस शेर की भांति उन्होंने दहाड़ कर, दहाड़ा इस देश के लिए आजादी के चिंगारी को जलाए रखने के लिए अपने साहसिक कामों से उन्होंने ऐसा कार्य किया, ऐसा युद्ध जलाया जिसकी गवाह आज तक इस हमारी धरती है, आज तक इसके किस्से सुने जाते हैं, कहानियां सुनी जाती है, आज भी लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं, इनकी आजादी की संघर्ष की कहानियों को सुनकर लोग आज भी प्रेरित होते हैं और लोग आज भी इसके साक्षी हैं। इसलिए ऐसे अनगिनत लोग इन्होंने अपने खून से इन क्रांतियों को सींचा, आजादी के इन लौ को जलाए रखा, अपने साहसिक कार्यों से चारों दिशाओं में यश फैलाया जो अभी तक गाया जाता है ऐसे बलिदानियों,
का कभी जय जयकार करना चाहते, कभी उनकी जय जयकार बोलने के लिए कहता, अपनी पंक्ति के माध्यम से कभी इनको श्रद्धांजलि देता। अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। कभी कहता है कि इसका ऐसे बलिदानियों का जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया देश के लिए, उनका क्या महत्व है, वे कितने साहसी और वीर थे, आज का इतिहास क्या बताएगा। आज का इतिहास इन बलिदानियों, इन वीरों, वीर सपूतों के विषय में कोई नहीं क्या बताएगा। इतिहास तो समृद्धि सुख के चमक में अंधा है। वह इतिहास ऐसे बलिदानियों का महत्व नहीं समझता और वह इसके विषय में बताने में असमर्थ। यह इतिहास ऐसे बलिदानियों के महत्व को बताने में असमर्थ है, यशोगान करने में असमर्थ है, वह क्या जाने। साक्षी हैं उनकी महिमा के, चंद्र सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, ये जो सूर्य चंद्रमा धरती अंतरिक्ष आकाश ये सभी उनकी महिमा के साक्षी हैं। इतिहास क्या बताए, अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि इनके विषय में इतिहास को बताने की जरूरत नहीं है, इनके विषय में हर कोई जानता है। अभी भी लोग इससे प्रेरित होते हैं, उनके बलिदान को याद करते हैं और हमको भी याद करना चाहिए ऐसे बलिदानियों को और उनको सच्चे मन से श्रद्धांजलि देना चाहिए। कवि कहते हैं कलम आज उनकी जय बोल, कवि इन पंक्ति के माध्यम से कभी ऐसे बलिदानियों को, ऐसे वीर सपूतों को याद करते हैं और उनकी जय जयकार करते हैं और जय जयकार करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इस कविता में किसकी महिमा गाई गई, जो देश के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, लेकिन इसके बदले में उन्होंने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। तो ऐसे बलिदानियों को हमें समय समय पर याद करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए कि अपने देश के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। जो अपना सब कुछ बलिदान कर सकते हैं उनके आदर के लिए, तो हमको तो अवश्य ऐसा कुछ करना चाहिए जो देश के हित में, तो इनसे हमको देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। हमें देशभक्त होना चाहिए हमेशा अपने कार्य में, हमें हमेशा देश का हित देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि देश का हित सर्वोपरि है। देश की रक्षा हमारी रक्षा है, हम देश की भलाई सोचेंगे तो देश से हमें सुरक्षा मिलेगी, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। इस कथा से, इस कविता के माध्यम से हम यही सीखते हैं, देशभक्ति अवश्य ही हमारे मन में होना चाहिए। धन्यवाद।